हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने वाला हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि रियलमी एक अपनी नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा है। उसका नाम है रियलमी नार्जो सीरीज़। उसका अभी से उन्होंने टीज करना चालू कर दिया है, तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में। तो दोस्तों, हमें जैसे कि पता चल चुका है कि रियलमी एक अपनी नई सीरीज़ ला रही है जिसका नाम है रियलमी नार्जो सीरीज़। और उस सीरीज़ के अंदर बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन आने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टक्कर देंगे ये रेडमी और वन प्लस जैसे ब्रांड्स को, जो काफ़ी हद तक टॉप पे चल रहे हैं फिलहाल। तो ये बजट फ़ोन होगा या फ्लैगशिप फ़ोन होगा, ये अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि नार्जो एक फ़ोन नहीं होगा बल्कि मल्टीपल फोन्स होंगे, क्योंकि नार्जो एक पूरी सेपरेट सीरीज़ बनने वाली है। जैसे कि रियल रेडमी की शाओमी की तरफ से आने वाली रेडमी सीरीज़ है, उस तरह से रियलमी के आने तक वाली एक नार्जो सीरीज़ होगी। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है दोस्तों। तो अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, तो मेरी आपकी गुजारिश ये रहेगी कि आप रुक जाओ थोड़े दिन के लिए और वेट करो नार्जो सीरीज़ कब आती है। ये फ़ोन जो है वो ऑक्टा कोर पावर होगा, यानी कि इसमें 2.3 GHz का सिंगल कोर कैरियो 475 प्रोसेसर होगा। और यानी कि आसान भाषा में ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 चिपसेट पे बेस्ड होगा। और शायद, मतलब ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे कि लीक्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल वाला होगा। इस पर एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा, इसमें IPS LCD डिस्प्ले होगा जिसका स्क्रीन रिजोल्यूशन 1080x2340 होगा, यानी कि 396 PPI पिक्सल डेंसिटी होगी। और इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो शायद दो, यानी कि ड्यूअल फ्रंट कैमरा होंगे, जिसमें फर्स्ट जो मेन सेंसर होगा वो 32 MP का होगा और जो प्राइमरी सेंसर सॉरी सेकेंडरी सेंसर होगा वो 2 MP यानी डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा। और जो पीछे वाला, मतलब रियर कैमरा का सेटअप है, वो 64+13+5+2 MP का होगा, जिसमें डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन जैसे कुछ फीचर्स होंगे। और ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसमें नेविक सिस्टम होगा या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से नेविक सिस्टम इसमें ज़रूर होगा। और इसमें 4500 mAh की बैटरी भी आ सकती है। तो और इसकी जो अनऑफिशियल प्राइस निकल के अगर हम इसके कुछ की पॉइंट्स को देखें, तो वहाँ पे लिखा है पावर, यूनिक और बहुत से ऐसे ऐसे यूनिक से फीचर्स इसमें शायद होंगे। कुछ जनरेशन जेड के बारे में भी बताया गया है। तो प्रोबेबली एक ही इनका टारगेट है, जो है यूथ, यानी कि इंडिया का जो पूरा यूथ है उनकी तरफ उनका टारगेट रहेगा। और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि एक फुल्ली पावर्ड पैक फ़ोन उनको मिले, ताकि और किसी फ़ोन की तरफ वो अट्रैक्ट ना हो। तो देखते हैं दोस्तों, जब भी फ़ोन आएगा तो हम इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।